फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइथन सिलेबस में आए हुए कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे और प्रीवियस में मैंने आपको काफी फंक्शंस के बारे में बताया। आज जिस वीडियो में हम जिस फंक्शन के बारे में जानेंगे वो है हमारा इज एलनम फंक्शन। ठीक है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, इज यानी चेक करेगा, कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होगी, एल यानी अल्फाबेटिक, नम यानी न्यूमेरिक। ठीक है, कि क्या किसी वेरिएबल में रखी गई वैल्यूज अल्फाबेटिक है या न्यूमेरिक है, तो क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट, ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। व्हाट इज एलनम फंक्शन। ठीक है, दी इज एलनम फंक्शन मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिक, कि आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, मीनिंग अल्फाबेट लेटर्स ए टू जेड एंड नंबर्स 0 से 9। यानी या तो आपके जो वेरिएबल है उसमें देखा गया रिकॉर्ड अल्फाबेट लेटर्स में हो, या फिर आपका जो रिकॉर्ड है उसमें नंबर्स हैं, तो ये क्या दे देगा, आपको ट्रू दे देगा, या फिर ये दोनों ही अगर आपके वेरिएबल के एलिमेंट्स में है तो आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर आपके कोई स्पेस लग रहा है या कोई स्पेशल सिंबल लग रहा है तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिल जाएगा। आपके वेरिएबल में क्या होना चाहिए, बिना स्पेस के आपके या तो लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले इज स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट इज एलनम फंक्शन मेथड, इस तरह से हम क्या लगाएंगे, हमारे फंक्शन का यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस एलनम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने हमने वेरिएबल ले रखा है और उसमें हमने अल्फाबेट्स भी ले रखे हैं और नंबर्स भी ले रखे हैं। ठीक है, अब हम इस जो हमारा वेरिएबल है इस पे एलनम फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख लिया है डॉट, हमारा फंक्शन है इज एलनम, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, एंड प्रिंट करवा देंगे हम x। ठीक है, जो भी हमारे x में वैल्यू स्टोर हुई है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा था आपका जो भी टेक्स्ट का एलिमेंट होंगे उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्पेस था, इसलिए हमें रिजल्ट क्या मिल गया, फॉल्स। कंट्रोल इसको स्पेस को रिमूव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे, तो देखिए अब हमें रिजल्ट क्या मिल गया है, ट्रू मिल गया है। यही होता है इस एलनम फंक्शन की, ये चेक करता है कि वेरिएबल में जो भी वैल्यूज है वो या तो अल्फाबेट्स में होनी चाहिए, नंबर्स में होनी चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स रिजल्ट मिल जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए केवल टेक्स्ट ही है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू रिजल्ट मिलेगा। केवल नंबर्स के थ्रू भी अगर हम चेक करना चाहें, ठीक है, यहाँ से हम इसे रिमूव करते हैं, नंबर लिख दिया हमने यहाँ पे, कंट्रोल ऐसे सेव करा, F5 से रन करा, तब भी हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो इस एलनम फंक्शन यही चेक करता है कि जो भी वेरिएबल है उसमें जो वैल्यूज लिखी गई है वो या तो अल्फाबेट लेटर्स में होनी चाहिए या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज में होनी चाहिए, तभी आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में इस एलनम फंक्शन पे किस तरह यूज किया जाता है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।